हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट सरोज। आप मेरी वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। चाहे कोई भी मौसम हो, फेस वॉश लगाना हमारी ज़रूरत है और ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन ही नहीं करता बल्कि हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग भी बनाता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी फेस वॉश लगाने का सही तरीका और अपने लिए फेस वॉश का सही चुनाव किस प्रकार करेंगे ताकि आपके स्किन को फेस वॉश का पूरा लाभ मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। फेस वॉश आपके स्किन से प्रदूषण, धूल, गंदगी और अन्य कणों को साफ करने में मदद करता है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये एक अच्छा एक्सफोलिएटर भी है। इसलिए जब भी आप फेस वॉश का चुनाव करें या परचेज करें तो हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से परचेज करें, तभी आपको फेस वॉश का बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही हमेशा प्रोडक्ट के पीछे दिए हुए इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। फेस वॉश को सिर्फ ब्रांड के नाम पर ही परचेज ना करें। ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मार्केट में अलग अलग फेस वॉश उपलब्ध हैं। चलिए फेस वॉश के चुनने का तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो इस तरह के स्किन वाले को किसी भी तरह का फेस वॉश सूट करता है, लेकिन आपको केमिकल वाले यानी हार्श केमिकल वाले फेस वॉश से बचना चाहिए। स्किन वाले इस सारे फेस वॉश को ट्राई कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को ऐसे फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए जो अतिरिक्त सीबम से निपटने की क्षमता रखता हो। अगर आप स्किन संबंधी सीबम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं अपने चैनल पर लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिप क्रिस्टल जेल क्रीम के रिव्यू में सीबम के बारे में डिटेल्स में बताई हूँ। मैं अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वीडियो को देख सकते हैं उस लिंक से। तो उससे संबंधित कुछ फेस वॉश का मैं नाम सजेस्ट कर रही हूँ। स्किन वालों को सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को हमेशा पोषण की ज़रूरत होती है। ऐसे फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए जिसमें लैनोनिन, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जैसी चीज़ें मौजूद हो। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिडेंट वाले फेस वॉश को ना खरीदें। इन सारे फेस वॉश को ड्राई स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके फेस के किस हिस्से पर आपको प्रॉब्लम है। ऐसे स्किन वाले को अल्कोहल फ्री और पैराबेन फ्री वाले फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए। साथ ही वो फेस वॉश हाइपोएलर्जेनिक भी ना हो। इससे संबंधित कुछ फेस वॉश का नाम मैं बताती हूँ। फेस वॉश सेंसिटिव स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनकी स्किन कभी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो कभी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ऐसे स्किन वालों को हाइपोएलर्जेनिक और सोप फ्री और अल्कोहल फ्री फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ फेस वॉश का नाम मैं बता रही हूँ। ये सारे फेस वॉश कॉम्बिनेशन स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं। लगाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से हैंड वॉश से वॉश कर लें। साथ गुनगुने पानी से अपने फेस को धोएं। ये आपके स्किन के पोर्स को ओपन करता है जिससे स्किन में जमा एक्स्ट्रा ऑयल, गंदगी आसानी से साफ हो जाए। आप फेस वॉश को अपने हाथों में लेकर उसे चेहरे पर लगाएं और करीबन एक मिनट के लिए अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज। इसे वॉश करने से पहले अपने हाथों को सबसे पहले वॉश कर ठंडे पानी से आप इसे वॉश कर लें जिससे आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे और गंदगी आपके चेहरे के भीतर पोर्स में नहीं पहुंच सकेगा। टॉवेल से
चेहरे को हल्के हाथों से पोंछ लें। फेस वॉश करने से आपका नेचुरल ऑयल दूर हो जाता है। तुरंत टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। आपके चेहरे पर मेकअप है तो पहले मेकअप रिमूवर से अपने मेकअप को हटा लें, तब फेस वॉश करें। फेस वॉश सिर्फ दो बार यूज करें, एक मॉर्निंग टाइम और एक नाइट टाइम में। अंत में एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहा हो या आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो तो आप हिमालय का नीम जेल जरूर यूज करें। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।